कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो घर में चल रहा है बहुत ज़्यादा काम। आज मुझे 2 से 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, और मैंने मम्मी से यही बोला, मैंने कहा मम्मी जब मैं आने को ही तभी तुम्हारा एक काम छोड़ने को रहा, ऊपर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है दिखाऊंगी आपको। और जहाँ मम्मी की पूजा है ना, वहाँ पर थोड़ा सा दीमक वगैरह आ गई थी, तो भैया ने पूरा हटवा के, भैया तो चला गया है कल ही, पूरा हटवा के उसने वापस से फ्रेम नया लगेगा, तो वो सब चल रहा है काम। हम लोग इधर भैया वाले रूम में ही बैठे हुए हैं, यहीं सोए थे। यहाँ का पता है, यहाँ पे अलग सुकून मिलता है क्योंकि यहाँ से बड़ी अच्छी ठंडी हवा आती है। रात में भी खिड़की खोली थी, बढ़िया कम्बल ओढ़ के हम लोग सोए थे। हाँ, हरी हरी घास। पर यहाँ एक चीज़ है, कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते इसलिए अंदर रखने पड़ते हैं। बंदर का बहुत ज़्यादा आतंक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। थोड़ा नहीं, नाइशा चलो आओ, नानी बुला रही हैं, आ जाओ, चलो चलते हैं। मम्मी बुला रही हैं, वो सॉरी मेरी चाची बुला रही हैं मुझे नाश्ते के लिए आज वहीं पर। दिखाऊं काम कैसा चल रहा है, ये सारा काम चल रहा है। लाइट बंद कर दूं, बेचारी मम्मी की पूजा देखो यहाँ रखी है। पहुंच गए हैं घर, घर पर, और देखो मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं। हनुमान जी, तो हम आ गए हैं, और देखो नायशा गिलास से खेल रही है। और पता है ये बंदूक, ये डराने वाली बंदूक है, बंदरों को कितनी भारी है। चित्रा क्या हाल, रूबी खाना बनाने की तैयारी, नाश्ता लगा दो हमें। चलो इन भाई साहब के पास कोई काम नहीं है, बस खाओ पियो आराम करो। चित्रा आ जा ना, आ जा बाहर आ जा। और आज एक गुड न्यूज भी है, वो मैं बताऊंगी अभी आगे। कर लूँ पहले नाश्ता, उसके बाद गुड न्यूज बताऊंगी। बता दूँ? समझ जाओ आप लोग, बस आप लोग कमेंट करोगे ना, वो देख कहाँ टॉयलेट कर रहा है, खड़े हो गए, ए पानी डालो, खड़े चले आए ना। अब सनन वहाँ पर पानी डाल दे, उसने गज्जू ने टॉयलेट करी है ना। अरे 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 नहीं, अरे मम्मी मत कर, 30,000 हमें मिल जाएंगे, अरे मत कर। तो गुड न्यूज ये है, अरे भैया जी बच्चा बड़े चिल्ला रहा है, तू भी चाय है, चाय अच्छी से बना ली। अच्छा तो गुड न्यूज ये है, हमें कुछ बताते हुए शर्म लग रही है, आप लोग समझ जाना, बस और क्या हो सकती गुड न्यूज। बस चित्रा की तरफ से गुड न्यूज है, बहुत जल्दी इन्होंने दे दी वो न्यूज, थोड़ा तो समय लगाती। तो आप लोग समझ जाना कि क्या है, समझदार हो मेरी प्यारी बहनों आप सब, तो बस कमेंट करोगे, पूछोगे तो हाँ का रिप्लाई आ जाएगा, समझ जाना। अब ऐसे बिल्कुल खुल के नहीं बता सकती, बस समझ गए आप लोग भी, मुझे पता है समझ गए। बहुत जल्दी इनने खुशखबरी दे दी हम सभी परिवार परिवार के लोगों को। तो चलो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, रक्षाबंधन पे आऊँगी तो छोटा बेबी मेरे हाथ में मौसी बन चुके होंगी। मौसी बन चुकी होंगी मैं, तो ये है गुड न्यूज, समझ गए आप लोग, समझ तो पहले ही गए होंगे। तो चलो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अभी ने बनाए हैं नमक के जबे, इसको बोलते हैं नमक की सेवैयाँ, और ये दीपावली का नाश्ता अभी तक चल रहा है। गुजिया खत्म, होली का सॉरी, गुजिया भी है, गुजिया नहीं खाऊंगी सुबह सुबह मीठा, पानी रख मेरा जूठा पानी, बोलो तुम। कोई बात नहीं बहन, जूठा उठा चलता है बहनों, चाय चाहिए, मैं चाय के संग खाऊंगी। भर पेट कर लिया, नमकीन जबे और ये नाश्ता था, अभी भी खाई जा रही हूँ। गुजिया लिया, गुजिया नहीं खाई, रख के आ जाओ चित्रा। अभी थोड़ी देर बैठूंगी बहन के पास में, कब सब बातें मारूंगी, फिर जा रही हूँ मम्मी के पास, देखती हूँ क्या काम है वहाँ पर, क्या करवाना है साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, मैं आपको बताऊँ, घर पे ना मजूर चल रहा है, मतलब मजूर मिस्त्री जो होते हैं काम करने वाले हैं, इनको खाना खिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। तो अभी जाएंगे, मम्मी का आज व्रत है पशुपतिनाथ भगवान जी का, तो बस जा रही हूँ, देखती हूँ खाना क्या बनेगा। मम्मी बनाएंगी, वैसे बनाने नहीं देती हैं,
क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है इस बार कि हमारी गौरी बहुत कमजोर हो गई है। पापा मम्मी बड़े ताऊ सब लोग, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने बोला नहीं कि गौरी तुम कमजोर नहीं हो, अब की बहुत कमजोर हो गए। पता नहीं बॉडी का क्या चलता रहता है, कभी वेट बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। और फिर वैसे तो अभी मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है तो इसलिए भी वेट कम हो गया है। मैं करें क्या बोल रही हूँ, वेट कम हो जाता है ना अचानक से तो वीकनेस आ ही जाती, तो उसकी वजह से भी मुझे कमजोरी लगती रहती है। तो बस जाते हैं मम्मी के पास में और देखती हूँ मम्मी क्या बना रही हैं। और अभी चाचा आने वाले हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि चाचा जल्दी खा लेते हैं। ड्यूटी जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो आज चाची कौन सी शिफ्ट की है? दोपहर से 2 बजे से। अच्छा, शाम को मम्मी जल दी है 10 बजे तक है, लेकिन 8 बजे करते हैं, 2 घंटे नहीं। उस दिन भी तुम यही साड़ी पहनी थी बर्थडे वाले ब्लॉग में और आज भी यही पहनी थी, लोग कहेंगे साड़ी नहीं है तुम्हारी चाची के पास में तो वो लोग देखो हमारी चाची की स्मेल देगा, देखो कैसी खुश है। चलो भाई चल रहे हैं घर, पहले थोड़ी देर बातें कर लूँ इससे। काफ़ी हो चुकी है रूबी, मैं जा रही हूँ ना बाय। चित्रा कर रही है अपने पति देव जी से बात, तो बहुत तेज हो गई, 12 बज गए मुझे यहीं रुके हुए। मम्मी चिल्लाएंगी डांटेंगी। चलो हराम पैर जलने लगे। मैं हूँ अपनी चाची के घर वापस से। कल का ब्लॉग मैंने वहीं पर एंड कर दिया था जब यहाँ से गई थी, उसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं करा। और आज वापस से चाची के यहाँ पर हूँ। चित्रा ने बनाई इडली है, तो देख सकते हैं ये इडली, इडली सांभर है बनाया है चित्रा ने। तो बोली गौरी दीदी आ जाओ खा लो, अभी वो रुकी हुई है, जब तक मेरा यहाँ पर आना जाना ज़्यादा है फिर कम हो जाता है। सर कोई नहीं पूछता, चल निकल, कोई नहीं पूछता क्यों, रूबी नहीं पूछता। अरे चित्रा खोल पर्दा, खोल पर्दा खोला। तो मैं आपको बताऊं, अभी मैं यहाँ आई हुई हूँ और कल मुझे एक कमेंट आया था, उस कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट दूंगी। मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, वो उनका ओपिनियन है। जैसे मैं आपसे जिस तरीके से बात कर रही हूँ ये थोड़ा सा बोलते ना टोन अलग है, और जो मेरी यहाँ की मेरी भाषा है ना, जो मातृभाषा जो मैं बोलती हूँ सबसे यहाँ पर, जो कि आप देख लेते हो वीडियो में सुन लेते हो, तो वो मेरी मातृभाषा है और मैं ऐसे ही बोलती हूँ और मुझे पसंद भी है। जैसे कल मुझे कमेंट आया था कि आप ऐसे ना बोला करें, ये भाषा अच्छी नहीं लगती। अब अपन बोलते नहीं हैं जैसे हैं वैसे ही बोलेंगे। हाँ, इधर निकलो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, जी हमारी गाँव की, यूपी की बरेली की भाषा है, यूपी के क्षेत्र की भाषा है, तो जी हमारे इधर की भाषा है। एक कमेंट और आया था जो कि दुबे जी हैं, उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उनने मेरे से कहा मत खिलाओ उसको भैया, उनका कमेंट आया था। चलो पहले तुम बता दो उसको। तो कल एक कमेंट आया था कि आप लोग इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती हो गौरी, तुम इतने उसमें बंदिश में रही, तुमने सीखा नहीं है पर तुम डांस कितना बढ़िया कर लेती हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप आती हैं। हमारे घर में सारी जितनी लड़कियां बैठी हैं सब एक से एक अच्छा डांस कर लेती है। ये बैठी चित्रा, ये भी अच्छा डांस कर लेती है। हम सभी बहनें कर लेते हैं, अच्छा तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत जो आता है वो कर लेते हैं। खा जाओ, अब खा लिया, खा लिया। तो चलो मैं अपने जो आज का ब्लॉग है मैं सोच रही हूँ यहीं पर एंड करूँ, क्योंकि ये लोग मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं, इनकी तरफ बार बार ध्यान जा रहा है। ये जो लड़का है बहुत शैतान है, हमारे चाचा का छोटा वाला लड़का, और दूसरा शैतान हमारा गज्जू है, तीसरी शैतान वो बैठी, चौथी ये हमारी सुपुत्री। तो चलो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। अपना प्यार दीजिएगा, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ। खाती हूँ इडली। इनके बारे में तुम मत ही बताओ, तो पहले से ही जानता सब जानते हैं यूट्यूब फैमिली की, नायशा बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, हंसने वाली क्या बात है इसमें। चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।